टाइमलेस पॉडकास्ट प्रेजेंस सादत हसन मंटो का अफसाना बारिश, जिसे प्रोड्यूस किया है टाइमलेस अमृतसर ने और आवाज है भव्या कश्यप की। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें दो दरख्त थे, उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस बारिश से खुश होकर नाच रही हैं। उधर टेलीफोन का एक खंबा खड़ा था उसके फ्लैट के एंड सामने, ये भी बड़ा खुश नजर आता था। हालांकि उसकी मसर्रत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी, इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था। लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत गंभीर था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी चीजें हैं खुशी में नाच गा रही हैं। सावन गुजर चुका था मगर बारिश नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। बादल आते और जाते रहे मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजो पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने ना टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करना शुरू की। मगर ये एक तरफा मोहब्बत थी, सुरैया ने उसे ध्यान देने लायक समझा ही ना था। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, लंगोट पहनकर नहाया और बारिश का लुफ्त उठाया। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कहकहें सुनाई दी। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में दो लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ झाड़ियों की एक दीवार थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाढ़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखने लगा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहनी थी जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चूंकि लट्ठे की थी इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही आकार प्रकार का पता ना चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था जैसा कि उस रोज जबकि बारिश हो रही थी उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था इसलिए कि वो इस मिजाज का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नजरों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज बड़ी ललचाई नजरों से उनको देखा। देखा ही नहीं बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर हैंडपंप की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब होगी। ना तजुर्बेकार था, जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन दोनों लड़कियों में से एक को चुनना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी चंचल थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा चंचल अच्छी रहेगी जो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये चंचल लड़की खूबसूरत थी, उसके बदन के आजा भी बहुत मुनासिब थे, बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया, उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था। लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और बाड़े के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया। मगर जब उसने उस लड़की की तरफ एक गरज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के अंग प्रत्यंग नजर आ जाए तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। इसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था उसका मुकाबला, उसने सोचा, कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम प्रवीण था,
इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आई, इसलिए कि उस लड़की तक पहुंचना तनवीर को आसान नहीं मालूम होता था। फिर उसे अपनी वालिदैन का भी डर था। इसके अलावा उसे ये भी यकीन न था कि वो उससे वो खिंचन महसूस करती है या नहीं जो तनवीर उससे करता है। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, छोटी झाड़ियों के पास जाता, मगर वो नजर ना आती। घंटों वहां खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गरज से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौकों पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे बेड़े अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धक्का लगा। उसका सर जोर से स्टेयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा सुरूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद बुलाया था। परवीन के होंठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही थी, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक जरूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसलिए आपको ये जहमत दी, तनवीर ने कहा। जहमत का क्या सवाल पैदा होता है, मैं तो उसकी जबान लड़खड़ा गई। आपसे मैं पहले मिला तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। परवीन ने अपने गहरे सुर्ख लबों में से एक चीख नुमा आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने जरूर की, इसके लिए माफी चाहता हूँ। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था? ये सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आए बाए शाए करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको, मेरा मतलब है कि दोनों लड़कियां थी जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में ना आया कि सवाल का जवाब क्या दे, चुनांचे वो गोल कर गया। आपको मैं कहाँ ड्रॉप करूं? परवीन मुस्कुराई, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि उसका हाथ दबाए और उसकी कमर में एक दो सेकंड के लिए अपना बाजू हमायल कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से मगलूब होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों से अपने होठ पेवस्थ कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ था कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने उसे ना रोका, लेकिन फौरन तनवीर को ये एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी अश्लील हरकत की है, और गालिबन परवीन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर यूं तो नाराजगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होंठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर आई। उसने कूले मटका कर ठेठ वेश्याओं के अंदाज में उससे कहा, शाम तक मैं यहीं होती हूँ, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ पड़ा तो
तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक वैश्य औरत है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन ने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद गंभीर था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं।